अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। मैंने लास्ट टाइम अपनी हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे, तो वहाँ पर सबने कमेंट करके मुझसे ये कहा कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं वो भी एक डिटेल में वीडियो बनाएं। तो बस मैं इसके फुल होने का इंतज़ार कर रही थी। तो ये देखें, मैंने इसका जो टब है ना, ये बिल्कुल फुल इसको भर दिया है। ये पूरे हफ्ते के कपड़े हैं, तो इसके अंदर यूनिफॉर्म वगैरह हैं और ज़्यादातर मैंने वायर इसमें डाले हैं। अच्छा, ये जो है ये कहलाती है डिटर्जेंट एंड सॉफ्टनर ट्रे होती है। इसमें ये इस साइड पर जो बड़ा वाला बॉक्स है वहाँ पर हम ये सर्फ डालते हैं, और जो छोटा वाला बॉक्स है जहाँ पे ब्लू कलर का आपको एरिया नज़र आ रहा है वहाँ पे सॉफ्टनर डाला जाता है। तो इसके अंदर वैसे टॉप लोड सर्फ यूज़ होता है, जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैं जो नॉर्मल सर्फ एक्सल यूज़ कर रही होती हूँ वही यूज़ किया है, और सॉफ्टनर मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैं पहले भी यूज़ नहीं करती थी, लेकिन इंशाल्लाह वो मंगवा के एक दफ़ा मैं चेक करूँगी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, सिंपली कपड़े इसमें लोड थे उसमें मैंने सर्फ डाला है। वाटर इनलेट जो है वो मैंने ओपन कर दिया है जहाँ से ये कनेक्टेड है, और मैंने मशीन को सिंपली ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आपको ये टाइमर एक नज़र आ रहा है जो इसमें सेट हुआ हुआ है, तो ये इसमें प्रीवियस टाइमर सेट हुआ हुआ था। मैंने जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाया तो मशीन ने जो है उसको थोड़ा सा उसको चलाया, और अपने हिसाब से उसने देखा कि कितना लोड है, कितना इसको स्पिन करना है, वो उसने खुद ही से सेट कर लेती है ये वॉशिंग मशीन। मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये वन टच, इस पर लिखा हुआ भी होता है वन टच वॉशिंग मशीन। ये उन्हीं लोगों के लिए है ये फीचर, के जो नहीं, जिनको समझ में आ रहा होता है कि वो किस तरह से सिलेक्ट करें, किस तरह से इसकी सेटिंग करें, तो उनके लिए ये होता है वन टच सिस्टम, कि बस आप कपड़े डालें, सर्फ डालें और आप ऑन कर दें, उसका स्टार्ट का बटन दबा दें, तो मशीन अपने हिसाब से सब चीज़ें सेट कर लेती है और फिर पानी लेना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि अभी इसमें कर रही है, पानी इसने लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको मैन्युअली इसको सेट कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी ये कम अपने हिसाब से सेट करती है, तो फिर मैं पानी का लेवल बढ़ा देती हूँ। अब देखिए, मशीन ऑन हो गई थी, पानी इसने लेना स्टार्ट कर दिया था, बट मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने सिंपली क्या किया, स्टार्ट और पॉज का बटन प्रेस किया। उसके बाद मैंने प्रोग्राम में जाके इसको इसकी सेटिंग करना शुरू कर दी। इसने अपनी जो सेटिंग की थी उसमें वाटर लेवल 6 था और वॉश टाइम 14 था, रिंस टाइम 2 था, स्पिन टाइम 6 मिनट्स था। उसने कपड़ों के हिसाब से इसको सेट किया था। अब मैं इसको खुद से एडजस्ट कर सकती हूँ। वाटर लेवल पर गई, यहाँ सेट में आकर अपने हिसाब से 10 तक, इसमें ऑप्शन है कि आप 10 तक टब को भर सकते हैं, तो मैं 6 ही रखूँगी, ठीक है। उसके बाद वॉश टाइम इसमें 14 मिनट्स है, तो मैक्सिमम अभी 15 मिनट्स आ रहा है। अच्छा, रिंस टाइम ये नॉर्मली 2 पे सेट करती है, लेकिन मैं इसको 1 पे ले आती हूँ। मैं एक बार ही रिंस करती हूँ तो उससे अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, स्पिन टाइम इसने 7 मिनट्स रखा हुआ था, तो ये मैंने 4 इस पे कर देती हूँ। मिनिमम इसमें 4 ही आता है, देखें 7 और उसके बाद 0 उसके बाद 4। तो ये नॉर्मल की मैंने ये सारी आपको बताई है, मतलब जब आप इसको नॉर्मल मोड पे रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। हैवी मोड पे अलग हैं, डेलिकेट मोड पे अलग हैं। अब देखें, इसका जो टोटल टाइम है वो 38 मिनट्स टोटल दिखा रहा है, कि 38 मिनट्स में ये एक बार वॉश करेगी ये मशीन, पानी भी भरेगी, उसके बाद स्पिन भी करेगी, उसके बाद अगेन पानी भरेगी और इसको दोबारा से वॉश करेगी सादे पानी के साथ, और फिर अगेन स्पिन करेगी। अच्छा, अब आपको ड्यूरिंग वॉशिंग एकदम याद आया कि कुछ कपड़े और हमें डालने थे, मशीन तो हमने स्टार्ट कर दिया, अब क्या करें, तो उसमें फिर आप सिंपली, बहुत आसान है, वापस से आप पॉज का बटन दबाएंगे, मशीन स्टॉप हो जाएगी पानी लेना, और हमने दोबारा से इसमें अगेन कपड़े डाल दिए, और इसको जब तक इसका दरवाज़ा ये बंद नहीं हो जाता ना, तब तक ये मशीन स्टार्ट नहीं होती है। तो ये हाइड्रोलिक, और इसको आप, ये मैनुअली भी बंद हो जाता है और इसको आप ऑटोमेटिक भी बंद होने दें। उसके बाद जो है हम स्टार्ट का बटन ऑन कर देंगे, वो देखें दोबारा से उसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हमने पूरी सेटिंग कर ली और एकदम लाइट चली गई, रिमूव हो गया, तो जब हम दोबारा से उसको स्टार्ट करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगी। अब देखें 32 मिनट्स दिखा रहा है इसने अपना जो पानी लेने का, उसने शायद 5 से 6 मिनट में पानी लिया है, उसके बाद इसने 32 मिनट्स के बाद जो है इसने स्पिन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसमें आपको एक प्रॉब्लम नज़र आएगी, आप उसे डिसएडवांटेज कह लें, कुछ भी कह लें, बट वो मशीन के हिसाब से सही है, कि आप देखें कि इतना सारा मैंने जो सर्फ डाला है, लेकिन जो झाग हैं सर्फ के झाग, वो आपको ऊपर नज़र नहीं आएंगे, वो क्या होता है कि वो मिक्स हो जाते हैं। अब यहाँ पर मुझे वाटर लेवल थोड़ा कम लग रहा था, मैंने दोबारा से स्टॉप करके वाटर लेवल 6 से 7 किया है। अब मशीन ने दोबारा से पानी लेना स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे लग रहा है कि वाटर लेवल इनफ है, कपड़े उसके अंदर डूब गए, लेकिन आप देखें कि सर्फ आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा,
इस मशीन में यही है टॉप लोड जो सर्व यूज़ किया जाता है, करवाया जाता है, वो इसीलिए करवाया जाता है ताकि सर्फ ज़्यादा झाग ना बने उसमें। झाग ज़्यादा बनेंगे तो आपको रिंस भी ज़्यादा बार करना पड़ेगा। 3 बार रिंस करने के बाद भी अगर आपको झाग वाला पानी फील हो रहा है तो आप ये समझेंगे कि कपड़े सही से नहीं धुले, लेकिन इसमें जो है टॉप लोड ही सर्फ यूज़ करवाया जाता है। अच्छा, अब देखें मशीन को चलते हुए तकरीबन 15 मिनट के करीब हो गए, 28 मिनट्स अब ये दिखा रही है, तो ये तकरीबन अब इसका ये जो चक्कर है ये कंप्लीट होने वाला है। स्टार्टिंग में मुझे भी वो होता था कि इसमें झाग तो बिल्कुल बंद ही रहे, कपड़े कैसे साफ होंगे, बट ये झाग को भी ना आपस में मिक्स कर देती है अंदर, तो झाग पूरे कपड़ों में मिक्स हो जाता है। अच्छा, एक भूल मुझसे कभी कभार ये हो जाती है कि मैं कपड़े लोड कर देती हूँ, पानी भी भर जाता है, स्टार्ट भी हो जाती है मशीन, और मैं सर्व डालना भूल जाती हूँ। तो अगर आप भी मेरी तरह भुलक्कड़ हैं कि आप सर्व डालना भूल जाती हैं, तो आप इस तरह से चलती हुई मशीन में बीच में आप एक दफ़ा पॉज का बटन दबा दें, और चाहे तो ट्रे के अंदर सर्व डाल दें या फिर ऐसे ही डाल दें। मैं समटाइम्स ऐसे ही डाल देती हूँ, कोई उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको डालना ही है तो ट्रे में ही डालना है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको शो करके दिखा रही हूँ कि आप दोनों तरीके से डाल सकते हैं। इसके अलावा पानी मैंने आपको ये डाल के दिखाया है, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है नल में, मतलब लाइट चली गई या कोई भी मसला हो गया कि पानी जो है वो नल में नहीं आ रहा है, और आपको कपड़े भी धोने हैं, अर्जेंट धोने हैं। आपके पास अगर बाल्टी या गैलन वगैरह पहले से भरा हुआ है तो आप इसमें डायरेक्ट भी इस तरह से डाल सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी डाला है। मैं अक्सर इस तरह से ऊपर से भी डाल देती हूँ अगर पानी जो है वो आना बंद हो जाता है और मुझे अर्जेंट कपड़े धोने होते हैं। तो आप इसके अंदर दोनों तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिक तो ये है ही। तो मैंने देखा है कुछ लोग बड़े वरिड होते हैं इसके सिस्टम को लेके कि हम एक दफ़ा हमने स्टार्ट कर दी तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें एक्स्ट्रा कपड़े नहीं डाल सकते, जैसे मैनुअल मशीन में हम एक्स्ट्रा कपड़े डाल लें, 15 मिनट का टाइमर है तो 10 मिनट चलने के बाद हमने 5 मिनट जो रह गया उसके अंदर ऐसे कपड़े डाल दिए जो डेलिकेट हैं, मतलब उसको हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन है कि शायद हम इसको अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, आप इसको भी मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टार्ट पॉज करके आप बीच में जो भी करना चाहते हैं, टाइमर दोबारा से सेट करना चाहते हैं, लाइट चली जाए तो टाइमर आपका दोबारा से रिज्यूम हो जाता है। जब एक दफ़ा आप सीख जाएंगी, 2-3 बार वॉश कर लेंगी मशीन, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये कितना जल्दी जल्दी से घूम रही है, एक चक्कर भी, आधा चक्कर भी नहीं हो रहा है कि वापस से पीछे मुड़ रही है। तो मेरे हस्बैंड ये कहते हैं कि ये पूरा तो ये गोल घूमती नहीं है, कपड़े कैसे साफ करेगी, बट ये इसका यही है मैकेनिज्म, ये इसी तरह से, मतलब इसमें ये इसकी बुकलेट में ये लिखा हुआ था कि ये कपड़ों को इस तरह से मूव करती है जिस तरह से हम हाथों से कपड़े धोते हैं। अब देखें यहाँ पे ये रुक गई है 15 मिनट्स वॉश करने के बाद, अब ये क्या कर रही है, सारा जो पानी है वो आउटलेट के ज़रिए बाहर निकाल रही है, और टाइमर आप देख लें अब 20 मिनट्स रह गए हैं और एक बार ये वॉश हो गई है। अब ये सिर्फ एक बार स्पिन करेगी और फिर दोबारा से पानी लेगी, इन 20 मिनट में इसे वॉश करेगी और स्पिन करके हमें खुश करके दे देगी। तो मेरी सिस्टर भी ये लेना चाह रही हैं, तो उन्होंने पहले मुझे देखा था कि किस तरह से वॉश करते हैं इसमें कपड़े, पूरा उन्होंने सीखा था, तो वो भी यही कह रही थी कि ये कितना हल्के हल्के घूम रही है। बट मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है कि ये जब अपने हिसाब से ये मूव करती है, कभी कभी ये बहुत तेज़ मूव करती है और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल पूरा चक्कर ले रही है। अच्छा, इस मशीन का जो वाटर इनलेट है वो जो नल है वो उसमें से पानी थोड़ा सा स्लो ही आता है स्टार्टिंग से, तो अगर 5 मिनट में इसको भरना होता है ना, 7 मार्क तक टब अगर इसको भरना है 5 मिनट में, तो ये हल्का फ्लो आने की वजह से ये 10 मिनट भी लगा देती है, बट टाइमर ये उतना ही दिखाएगी कि आपको 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है स्लो आने की वजह से वो टाइम ये अलग से कंज्यूम करेगी, वो इसमें शो नहीं करेगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 18 मिनट्स हो गए हैं और यहाँ पे देखें रिंस टाइम पर ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स कि अब ये वॉश टाइम इसका कंप्लीट हो गया है, अब ये रिंस स्टार्ट करेगी, उससे पहले ये स्पिन करेगी। स्पिन टाइम मैंने इसके अंदर 4 मिनट सेट किया हुआ है, तो ये 4 मिनट्स तक एक बार स्पिन करेगी ताकि इसमें से जितना भी सर्फ का पानी है वो अच्छी तरह से बाहर निकल जाए, अच्छी तरह से ये कपड़े सर्फ वाले पानी से पाक हो जाएं, देन फिर ये स्पिन करने के बाद नया पानी लेगी और उसके अंदर ये अच्छी तरह से कपड़ों को रिंस करेगी, खंगा लेगी। तो मेरे ख्याल में रिंस से पहले ये स्पिन का जो ऑप्शन है, ये स्पिन का ये सिस्टम है, ये बहुत बेहतरीन है,
इससे ये होता है कि आपके जो जितने भी कपड़े में सर्फ वाला पानी है वो निकल जाता है। अच्छा, जब तक स्पिन हो रहा है मैं आपको कुछ और फीचर्स दिखा देती हूँ इसके। ये जो दो बटन है प्रोसेस और सेट के, इसके बीच में लिखा हुआ है चाइल्ड लॉक, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आप इन दोनों बटन को 3 सेकंड तक एक साथ प्रेस करके रखेंगी, चाइल्ड लॉक हो जाएगा। इसी तरह सेट और प्रोग्राम के बटन को आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगी तो वो टब क्लीन का उसमें ऑप्शन आ जाता है। टब क्लीन 4 से 6 महीने में करना होता है। अच्छा, अब स्पिन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अब ये दोबारा से पानी लेना इसने स्टार्ट कर दिया है। अब ये जो पानी ले रही है ये फुल टब भरेगी, जो 7 तक हमने सेट किया हुआ है वहाँ तक ये टब भर के इसको दोबारा से कपड़ों को घुमाएगी, तो उससे क्या होगा कि कपड़े अच्छी तरह से उनमें से सर्फ का पानी निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ब्लिंक जो हो रहा है वो रिंस टाइम पे ही हो रहा है। ये रिंस टाइम दिखा रहा है कि 11 मिनट तक आपका ये रिंस और स्पिन दोनों हो जाएंगे। अच्छा, रिंस के वक्त जब ये मशीन चल रही थी तो मैं उस वक्त खाना खाने चली गई, तो बिल्कुल मुझे याद नहीं रहा कि इसको शूट करना था। वो सिंपली जिस तरह से पहले घूम रही थी उसी तरह से घूमना होता है। अब ये पूरा उसने रिंस कर लिया और अब ये पानी बाहर निकाल रही है। 6 मिनट इसमें अभी रह गए हैं। अब जो है देखें, स्पिन टाइम शो कर रही है, स्पिन टाइम पे ब्लिंक हो रहा है। अब ये रिंस वाला जो पानी इसने भरा था वो अब वो बाहर निकाल रही है, और जब 4 मिनट्स रह जाएंगे तो 4 मिनट में ये स्पिन करके आपको कपड़े दे देगी, जो कि आप तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा इसको बाहर फैलाएंगे और ये सूख जाएंगे। मैं एंड में आपको दिखाऊंगी भी कि ये कपड़े कितने ज़्यादा सूखे हुए निकालती है। इसमें हालांकि एयर ड्राई का ऑप्शन भी है, लेकिन एयर ड्राई करने की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ये पहले इतने ज़्यादा इसको ड्राई कर देती है कपड़ों को। अब देखें, पानी जितना भी था रिंस का वो सारा इसने बाहर निकाल दिया है। अब ये स्पिन करना स्टार्ट करेगी। ये देखें, 4 मिनट्स अब हो गए हैं, स्पिन टाइम ब्लिंक कर रहा है। अब ये जो 4 मिनट हैं ये स्पिन टाइम के हैं। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो इसके स्पिन के वक्त की जो आवाज़ें हैं ना, उनसे मुझे बड़ा खौफ आता है। तो मैंने और वीडियोस देखी यूट्यूब पर कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में स्पिन के वक्त किस तरह की आवाज़ें आती हैं, तो कोई ऐसी वीडियो मुझे मिली नहीं। ज़्यादातर वो साइलेंट थी वीडियोस, वो सिर्फ स्पिन दिखा रहे थे बट उसकी आवाज़ नहीं सुना रहे थे। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरी मशीन जो है ना वो इतनी आवाज़ करती है, बट फाइनली मुझे एक चैनल ऐसा मिल गया जो कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का पूरा सिस्टम वो दिखाते हैं उसमें। वो चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, कोई इंग्लिश चैनल है। वो एक एक 1.5-1.5 घंटे की वो वीडियोज़ हैं, वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करते हैं, पॉज नहीं करते हैं, बस वो कपड़े डालते हैं और वो वीडियो भी स्टार्ट कर देते हैं, और जब कपड़े निकालते हैं ना तो वीडियो वो बंद करते हैं। तो उन वीडियोज़ में मैंने देखा था कि उनमें तो और ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आ रही थी इससे ज़्यादा, तो फिर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि हाँ, स्पिन के वक्त इस तरह की आवाज़ें आती ही हैं। जो इस मशीन के साथ मैनुअल आया था ना, तो उसमें भी ये लिखा हुआ था कि अगर मशीन डिसबैलेंस है या सरफेस सीधी नहीं है तो स्पिन करते वक्त बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ सकती हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा डर स्पिन की आवाज़ों से थोड़ा डर मेरा कम हुआ है। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया है कि जब कपड़े बहुत ज़्यादा इसमें डालती हूँ ना मैं फुल भर के, जब टब बिल्कुल फुल होता है जैसे आज था, तो आधा तो टब वो रह जाता है पानी भरने के बाद, कपड़े कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा कपड़े होते हैं ना तब इतनी ज़्यादा आवाज़ें नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जब बहुत कम कपड़े मैं डालती हूँ ना तब वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है स्पिन करते वक्त ये मशीन। अच्छा, मैं 4 मिनट तक मुसलसल यहीं खड़ी रही थी कि मैं लास्ट के जो बीप्स है ना वो मिस ना करूं और आप लोगों को ज़रूर सुना सकूं। ये इसकी 6 सिंपल सी बीप्स हैं, और मशीनों में मैंने देखा है कि उसमें म्यूज़िक वगैरह बजता है, लेकिन बस अब देखें ये कपड़े बिल्कुल रेडी हैं। बस आप आधा घंटा इनको भिगोएंगे बोल रही हूँ, आधा इनको बस आप ड्राई करेंगे बाहर गैलरी वगैरह में छत पे, और मौसम तो आजकल वैसे ही इतना ड्राई है तो 15-20 मिनट में ये सूख जाएंगे आजकल। अब तो मैं आपको इस तरह से तो नज़र नहीं आ रहा होगा कि ये कितने गीले हैं कितने ड्राई हैं, तो मैं आपको ना एक टेस्ट दिखाती हूँ। देखें, अभी मैं इनको टच कर रही हूँ ना, तो आप मेरे हाथों का टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल भी पानी मेरे हाथों पे नहीं लग रहा है, सरफेस पे शाइनिंग भी नहीं आ रही है पानी की। अब मैं ना हाथ को ना अपने पूरा गीला करती हूँ, जैसे धोते हैं ना हाथ, इस तरह से मैं गीला करती हूँ, फिर आप देखिएगा कि गीला हाथ आपको कैसा लग रहा है, और जब मैं कपड़ों को, ये देखें ये कितना ज़्यादा गीला है, ये मैंने अभी धोया है पानी से, अब देखें ये कितना ज़्यादा गीला है।
अब मैं दूसरे हाथ से आपको दिखाती हूँ, ये कपड़े इतने ड्राई हैं कि ये बिल्कुल भी पानी का एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें फिर एयर ड्राई का ऑप्शन रह नहीं जाता है, एयर ड्राई की इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो मैंने बास्केट में सारे कपड़े निकाल लिए हैं फैलाने से पहले, और देखें इसका रिज़ल्ट कि इसने वाइट कपड़े कितने अच्छे तरीके से धोएं। और इसमें मैंने कलर कपड़े भी डाले थे, बट ऐसे कपड़े डाले थे जिनका कलर निकलता नहीं है। तो देख लें आप, ये फुल बास्केट भर के मैंने इसमें धोए हैं, और पूरा एक पैकेट भी मैंने सर्फ का पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा उसमें भी बचाया है। बट आप रिज़ल्ट देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े इसमें धुल चुके हैं 39 मिनट्स में। अच्छा, ये लास्ट टिप मुझे आपको ज़रूर देनी थी कि आफ्टर एवरी वॉश आपको ये काम हर वॉश के बाद लाजमी करना है कि इसका जो ये स्ट्रेनर है ना, आपने इसको ज़रूर वॉश करना है हर वॉश के बाद। नहीं तो आप 2 से 3 वॉश के बाद इसको लाजमी वॉश कर लें। इसको सफाई इसकी ज़रूरी है, इसकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपको फील होता है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गंदला पानी आता है, मिट्टी वाला पानी आता है या कचरा होता है उसमें, तो उसके लिए फिर वाटर इनलेट की भी सफाई करनी होती है, लेकिन वो आप 1 हफ्ते बाद कर सकते हैं, यानी कि 2 से 3 वॉश के बाद, 4 वॉश के बाद कर लें। बट इसकी सफाई आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो एफिशिएंसी है मशीन की, वो बढ़ सके। अच्छा, लास्ट में मैंने एक गलती ये की थी कि मैंने इसको वॉश करने के बाद जब इसको लगाया था तो मैंने इसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाया था। तो इसमें जब हम लगाते हैं ना, तो इसमें टक करके एक आवाज़ आती है, इसको अच्छी तरह से बंद करना होता है, तो वो मैंने इतना नोट नहीं किया और वो सही से बंद नहीं हुआ था। अभी जैसे इसमें से इस तरह से आवाज़ आती है ना टक्कर की, इस तरह से वो आई नहीं थी और मैंने बस इसी तरह से बंद कर दिया था। और जब मैंने नेक्स्ट वॉश के लिए कपड़े वॉश करने के लिए इसमें पानी वगैरह भर दिया, तो वैसे भी जब इसमें वॉश हो रहे होते हैं कपड़े तो मैं एक दफ़ा चक्कर लगा के देख लेती हूँ कि सब सही चल रहा है। तो मैंने देखा कि इसका ये एक जो इसका स्ट्रेनर है ना, वो कपड़ों के साथ ही मूव कर रहा था, वो ऐसे ही तैर रहा था पानी में। तो शुक्र है वो उस वक्त स्टार्ट हुई थी, उस वक्त वो वॉश कर रही थी, स्पिन के मोड में जाती तो पता नहीं क्या होता। एनीवेज़, वो मैंने एक छोटी सी गलती की थी, तो मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि आप लोग ऐसी गलती मत कीजिएगा। अच्छा, वॉश करने के बाद जो ये वॉशिंग मशीन नल से अटैच है, वो नल आप बंद कर दें और इसको 1 घंटे तक ना इसका ढक्कन इसी तरह से खुला रहने दें ताकि इसकी जो अंदर की बॉडी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये सब बातें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये सब मैंने इसकी मैनुअल बुक से पढ़ी थी, पहले ही दिन मैंने पढ़ ली थी। और इसमें कोशिश करें कि इसमें मिट्टी वगैरह ना जाए, वैसे तो ये पैक है, हर तरीके से कवर है। तो वैसे तो ये जब से आई है मैंने इसकी प्लास्टिक रिमूव नहीं की थी, आज वीडियो बनाने के लिए मैंने इसकी प्लास्टिक रिमूव कर दी है, बट उसके बावजूद मैं एक कपड़ा वॉशिंग मशीन पे ज़रूर डालती हूँ ताकि वो ऊपर से उसका जो ग्लास है उसकी शाइन ख़त्म ना हो, मिट्टी वगैरह ना जाए। सोच रही हूँ कि इसका कवर भी सीलूँ, तो वो इंशाल्लाह कामयाब रहा तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। सो पार्ट 1 की तरह ये पार्ट 2 भी काफ़ी लेंदी हो गया है, बट मैंने कोशिश की है कि मैं वो सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो कि मैंने एक्सपीरियंस की और हम सबके लिए फ़ायदेमंद है। इतनी डिटेल वीडियो के बावजूद अगर कोई क्वेश्चन फिर भी रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए और ज़रूरत पड़ी कि पार्ट 3 बनाया जाए, तो फिर मैं पार्ट 3 भी बना लूँगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक अ लॉट ऑफ केयर। अल्लाह हाफिज़।